ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा चुके ज्योतिष गुरु श्री के एन राव के हाथों मेडल से सम्मानित, अपनी सटीक भविष्यवाणी के लिए सुप्रसिद्ध और ज्योतिष अलंकार एवं ज्योतिष आचार्य अवार्ड से सम्मानित ज्योतिष आचार्य आचार्य रमन जी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आचार्य रमन, वैदिक एस्ट्रोलॉजर गत 20 वर्षों से। मित्रों, हम कर रहे हैं बृहद संहिता की सीरीज, जिसमें हम ले रहे हैं मेष लगन। और उसमें हमने सबसे पहले करा कि अगर मेष लगन की कुंडली है तो सूर्य 1 से 12 भाव में क्या फल देंगे, फिर हमने करा चंद्र 1 से 12 भाव में क्या फल देंगे, फिर मंगल को लेकर करा हमने। अब हम कर रहे हैं बुध। अगर बुध जो है मेष लगन की कुंडली में 1 से 12 भावों तक बुध क्या फल देने वाले हैं अलग अलग भाव में, ये हम कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम करेंगे कि बृहद संहिता जो वरामीर द्वारा रचित है उसके अनुसार अगर बुध अष्टम भाव में स्थित हो मेष लग्नी कुंडली में तो बुध के क्या फल रहने वाले हैं। तो मित्रों, आइए चलते हैं सीधा कुंडली की ओर। और जैसा आप ये कुंडली देख पा रहे हैं मित्रों, ये जो सेंटर होता है या जहाँ पे लगन या असेंडेंट लिखा रहता है, पहला भाव कुंडली का हमेशा वही रहता है। किंतु ये जो नंबर लिखे गए हैं राशियाँ, और ये चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे 1 नंबर का मतलब है मेष राशि, 2 का मतलब है वृषभ, 3 का मतलब है मिथुन राशि, 4 का मतलब कर्क राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 6 कन्या राशि, 7 मतलब तुला राशि, 8 वृश्चिक राशि, 9 मतलब धनु, 10 मकर, कुंभ और मीन। किंतु पहला भाव यही रहेगा जहाँ पे कि आपका लगन या असेंडेंट या जो सेंटर ऑफ द कुंडली है। चूँकि पहले भाव में मेष यानी मेष राशि है तो ये हुई मेष लगन की कुंडली। और जैसा आप देख पा रहे हैं बुध यहाँ पे अष्टम भाव में स्थित है। ये पहला भाव हुआ, ये दूसरा घर, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और बुध स्थित है वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में। तो मित्रों, जानते हैं बुध वरामीर या फिर यूँ कहें कि बृहद संहिता के अनुसार क्या फल देने वाले हैं ऐसे में बुध। जिस जातक का जन्म मेष लगन में हुआ है और जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बुध की स्थिति हो उसे बुध का फलादेश नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए। मित्रों, 8वां भाव है मृत्यु का भाव या फिर पुरातत्व का भाव। और इस भाव में अपने दोस्त कह लो, मित्र कह लो या न्यूट्रल कह लो, मंगल की वृश्चिक राशि पर स्थित है बुध। और इसके प्रभाव से जातक को पुरुषार्थ, आयु एवं पुरातत्व के संबंध में कुछ कठिनाइयों तथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव दुस्थान भी है। साथ ही साथ उत्साह में कमी आ सकती है तथा शत्रु पक्ष से हानि पहुंचने की संभावना भी रहती है, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी यानी बुध हैं और छठे भाव के स्वामी जो एनिमी का स्वामी है, शत्रु भाव के स्वामी बुध हैं। यहाँ पर तीसरा भाव उत्साह या पराक्रम का है और छठा भाव रोग और एनिमी का या शत्रु का है। और क्योंकि बुध दुस्थान में स्थित है तो इसके कारण हानि आ सकती है शत्रु पक्ष से और उत्साह में कमी। साथ ही साथ बुध की 7वीं दृष्टि मित्र दृष्टि जो है वो पड़ रही है कुटुंब भाव पर, अपने मित्र की राशि को देख रहे हैं, वो शुक्र उनके मित्र हैं, और द्वितीय भाव को देख रहे हैं वृष राशि को जो शुक्र की राशि है। इसके कारण जातक को अर्थोपार्जन के लिए यानी यूँ कहें कि धन के इकट्ठा करने के लिए विशेष परिश्रम एवं दौड़ धूप करनी पड़ सकती है, क्योंकि बुध स्थित है अष्टम भाव में दुस्थान में। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और अगर आपको मुझसे कुछ परामर्श की आवश्यकता है तो आप नीचे दिए गए नंबर 9911351351 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जो नीचे दी गई है www.astrologerraman.com। किंतु मित्रों, सबसे ज़रूरी बात, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, बाय, टेक केयर। अगर आप भी समस्याओं से परेशान हैं और समाधान पाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो जाने माने ज्योतिषाचार्य
आचार्य रमन जी से मिलकर इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। 3341 सेक्टर 23 हुड्डा गुड़गांव हरियाणा 12001। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09911351351, 08130201201। हमारी वेबसाइट है www.theindianastrologer.com।